मंत्री जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, अब और क्या कर सकते हैं। वैसे तो 6 महीने से भटक ही रहे, और कहाँ जाएंगे, जिंदगी भर तो। हो गई हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पुरुषों को तो ले जाया गया है, लेकिन अभी तक छात्र जो है, महिला छात्र जो हैं, वो सभी की सभी यहीं पर ही मौजूद हैं, और वो ये कह रही हैं कि हम पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मैम आपको हम जब अपने पैरों से यहाँ तक चल के आ सकते हैं तो अपने पैरों से वहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ पे जाना रहेगा। अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है कि हम कहाँ जाएं? घर के नहीं हुए ना, घाट के हुए, कहाँ जाएं हम? ये लोग बार बार कहते हैं कि हमें होम मिनिस्टर से मिलाया जाएगा, क्यों नहीं मिलवा रहे हैं? हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर से हमें मिलवाया जाए, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। उनसे एक बात, हमारी बात तो कराई जाए, एक बार भी नहीं बात करे। वे झूठा आश्वासन देते हैं कि हाँ मिलवाएंगे, लेकिन वो लोग मिलवाते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलवाते हैं? एक बार तो मिलवा देना चाहिए। मैं यूपी से ज्योति मौर्य, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ से 8 महीने से हूँ, 7 महीने से, हाँ जब से प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है फरवरी से। हम लोग अभी यहाँ गुरुद्वारे में रहते हैं। कहाँ से होगा, वही गुरुद्वारा का जो खाना होता है वही खा के जीते हैं किसी तरह। नौकरी मिलेगी तब तो पैसा मिलेगा, जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा? परिवार में कोई लालन पालन नहीं चल रहा, वही खेती हल्का फुल्का होती है, उसी से कैसे भी घर चलाया जाता है। महिला होकर के एक आर्मी में क्यों जाना चाहते? मैं अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ, और ये लोग देश की रक्षा करने नहीं देना चाहते। मतलब सरकार महिलाओं के खिलाफ? हाँ खिलाफ तो हो ही रही है, छात्रों के खिलाफ। जॉब हमें नहीं दे रही है, हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, हम अपनी जान दे सकते हैं, इसलिए। हाँ इसीलिए तो हम लोग इतने तरीके से यहाँ पे लाठीचार्ज खाने के लिए भी तैयार हैं कि कम से कम वो लाठियाँ बरसाए। कम से कम हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितना दम है उन्हें। उन्हें तो बस यही काम है कि उन्हें तो एक पैसा रह गया ना कि बस बच्चों को हटाने का तरीका है लाठी बरसाओ। वो तो खुद ही डरे हुए हैं। सर क्या हाल है आप? अभी तो ठीक है, लेकिन क्या करेंगे। अभी हाँ वो तो सही है, एक चीज ही चल रहा है। हम लोग 14 फरवरी से दिल्ली में हैं, आज तक भी रहा है, और परसों जो लाठीचार्ज हुआ ये एक बात होता है कि ये सही नहीं किया जो दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ जो कैंडिडेट के साथ, क्योंकि हम लोग ये देश का नागरिक हैं, और हम लोग जो इसका जो एग्ज़ाम के लिए हम जो मांग रहे हैं जायज़ है, क्योंकि हम लोग इसका जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया होता है, जैसे CBT होता है और उसका फिजिकल होता है और मेडिकल टेस्ट होता है, सब हम क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग को एक मेरिट बना के निकाल दिया जाता है। इस दौरान जो एग्ज़ाम 1 साल में होना चाहिए, ये एग्ज़ाम 3 साल में हुआ, तो हम लोग का एज ओवर एज हो गया। इसके वजह से हम कोई दूसरी एग्ज़ाम पर भी बैठ नहीं सकते। हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और जितने भी सरकारी दफ्तर है हम सब जगह गए हैं, SSC दफ्तर से शुरू करके PM से सब जगह, HM से सब जगह गए थे, सब जगह हमने मेमोरेंडम दिया, लेकिन वो लोग हमारा मेमोरेंडम रिसीव करते हैं, लेकिन उसका रिसीविंग कॉपी का अलावा हमको और दूसरा कोई जो रिप्लाई लेटर चाहिए वो नहीं देते हैं। हम भी वही चाहते हैं। हम आज भी इधर आए थे, SSC ऑफिस के सामने बैठे हैं, CGO कॉम्प्लेक्स के सामने बैठ कर, हम भी शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते थे कि जो हमारा SSC का चेयरमैन है, जो भी वो हमको बोलना चाहते हैं भाई रिटर्न दीजिए, लेकिन वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। सर कुछ लोगों ने कल कमेंट किया आप लोगों की वीडियो में कि आप लोग मतलब उससे लायक नहीं है जॉब के, तभी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, वरना मोदी सरकार तो सबके लिए अच्छा करती है। देखिए मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, कभी देखिए मोदी जी ना ऐसे वर्दी पहन के खड़े हो जाते हैं, वो बॉर्डर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस वर्दी को पहनने के लिए आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए, जो कि हमारे अंदर है। 5 किलोमीटर दौड़ लगाना कोई आसान काम नहीं है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे कि आप उसका काबिल नहीं है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप कभी भाई कोई ग्राउंड पे चले जाइए और आप 5 किलोमीटर का दौड़ लगाइए, और वो फिर आपको टाइमिंग के अंदर। और ये जो एग्ज़ाम हुआ भाई, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पहले जब नोटिफिकेशन हुआ था 60 लाख से ज़्यादा बंदे थे, हमने उसके अंदर 1 लाख के अंदर आए हैं, तो आप 60 लाख से हम 1 लाख के अंदर है, तो आप समझिए हमें काबिलियत है कि आपके अंदर काबिलियत है। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, और एक बात, आज ना ये
हमारे साथ हो रहा है। और देश का अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अब जहाँ देखिए बेरोजगारी, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी बता रहे हैं कि आत्मनिर्भरशील बनो, ठीक है हम बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? कहीं क्यों हम लोग ऐसे आके रोड पे ठेला लगा देंगे? ठीक है वो तो सही है आत्मनिर्भरशील, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए चाहते हैं, हम कोई बिजनेस करने के लिए नहीं चाहते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं हम वही चाहते हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। और ये प्रोटेस्ट आज नहीं, 8 महीने से शुरू हुआ है और भी चलता रहेगा जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। और ये जो नारा हमने लगाते रहे वर्दी दो या तरथी दो, ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम हटने वाले नहीं हैं, डट के रहेंगे। पुलिस वालों का कल मैंने थोड़ा बात सुनी थी परसों, सॉरी, तो वो लोग तो यही कह रहे थे कि हम लोग तो आपका भला ही चाहते हैं, आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। देखिए वो भी क्या होता ना, वो जो हमारा गवर्नमेंट के अंडर होते हैं उनको ऊपर से प्रेशर होता था वो हमारे, लेकिन वो लोग हमको भी सपोर्ट करते हैं कोई कहीं मिलना हो। जैसे कि इधर आज अधिकारी ने हमको लेके मिलवाया उनको ऑफिस में, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, उनको भी मजबूरी है तो उन लोग आकर लाठीचार्ज करते हैं। अभी हम वही चाहते हैं, हम भी उनका बच्चा जैसा है, वो भी इस तरह गुजर गए हैं कि हम जैसे कोई एग्जाम वगैरह फेस किए हैं उन लोगों ने भी फेस करके आज नौकरी की है। उनको भी पता है कैसे फौजी बनने के लिए क्या क्या चाहिए, उनको भी पता है। और मैं वही बात बनना चाहता हूँ कि सिर्फ हमको वर्दी दी नहीं गई है, लेकिन हम अंदर से जो बोलते हैं ना, हम आज भी अंदर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आज तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ये तो वर्दी भी नहीं मिल रही है। ये जो होती है ना, ये सरकार की वजह से होती है। ये सरकार बोलती है कि रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार कहाँ है? तो क्यों हम पढ़ाई क्यों करेंगे? आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई क्यों करेंगे, इधर हम लोग ठेला लगाएंगे नहीं तो फिर चाय भी बजेंगे, तो क्यों हम लोग पढ़ाई करेंगे? इसीलिए ये प्रोटेस्ट जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। हमारा एक ही नारा है, वर्दी दो या तो अस्थि दो। हम तो चाहते हैं हमारे सीने पे गोली मार दो। हम चाहते हैं हमारे सीने पे गोली मार दो। हम मरने के लिए भी तैयार है, देश के लिए मरेंगे नहीं तो फिर ऐसे हम मर जाएंगे। ये सरकार ऐसी है कि हमको फिर आतंकवादी बना देगा। मतलब आप लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं, लेकिन हम जी क्योंकि हम चाहते हाँ अभी तो हमको भी ऐसे बताया जाएगा, देखिए हम स्टूडेंट है, कोई हमारा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है। आप जहाँ भी तो देख लीजिए, हम स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि आप जहाँ भी जाइए देखिए, सब प्राइवेटलाइजेशन हो गया है, तो पोस्ट होगा तो फिर हमको नौकरी मिलेगा ना, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? ये तो झूठे है ना, झूठे नहीं है। आप देख लीजिए, अभी तो सबसे बड़ा समस्या है भारतवर्ष में बेरोजगारी, आप देख लीजिए।